देखो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा बजट 2020-21। और हरियाणा बजट से एक क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आता है कि हरियाणा का जो बजट है वो कितनी राशि का बजट है, हरियाणा में जो बजट पारित किया गया वो किसके द्वारा किया गया। कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है। और अब की बार 2020 और 21 के अंदर 28 फरवरी 2020 को हरियाणा में बजट पारित किया गया और जो हरियाणा का कुल बजट है वो है 142,343.78 करोड़ का। और ये बजट जो पारित किया ये किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और भाई मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा का वित्त मंत्री है, पहला मुख्यमंत्री जिसने वित्त मंत्री रहते हुए हरियाणा में बजट पारित किया वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर भाई। और पिछले बजट की तुलना में अब की बार 7.70% की वृद्धि हुई। ये पूछे कि हरियाणा में 2019 और 20 का बजट किसने पारित किया? भाई पिछला बजट कैप्टन अभिमन्यु, क्योंकि उस वक्त हरियाणा का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? कैप्टन अभिमन्यु। और अब की बार मनोहर लाल खट्टर। इस बजट की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पहली बार ही हरियाणा का कोई वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री बजट को पारित कर रहा था भाई। और पहली बार हरियाणा में विधायकों द्वारा टैब का प्रयोग किया गया भाई। हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक, ये क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीट है? 90। और 90 विधायकों ने किसका प्रयोग किया? टैब का प्रयोग किया भाई पहली बार। दूसरा जो मुद्दा था अब की बार कि हरियाणा में देखो एस वाई एल जो नहर है उस पर पिछले बजट की तर्ज पर इस बार भी कितने रुपए दिए गए? 100 करोड़ रुपए दिए गए। अब हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कितनी राशि दी गई? 80 करोड़। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जो राशि दी गई वो थी 80 करोड़। अब ये क्वेश्चन बनता है भाई कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाओं के विकास के लिए कितनी राशि दी गई? तो 7200 करोड़ रुपए की राशि हरियाणा के अंदर दी गई है। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो इस बार बजट है उसमें ये पूछे कि सबसे ज्यादा खर्चा किस पर आएगा भाई? तो सबसे ज्यादा किस पर है? शिक्षा का बजट हरियाणा में सबसे अधिक बजट है अब की बार। और दूसरा है स्वास्थ्य बजट भाई, और एक है कृषि बजट भाई। ये पूछ ले भाई हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर भाई। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। ये पूछे भाई शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने कितने का बजट पारित किया? तो वो किया भाई 196.39.18 करोड़ का। अब दूसरा क्वेश्चन शिक्षा पर बनता है कि हरियाणा के अंदर शिक्षा बजट में पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो
तो ये वृद्धि हुई भाई 28.60% वृद्धि, ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में वृद्धि है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्वास्थ्य पर कितना बजट पारित किया गया, तो भाई 65.75 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए। और भाई हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। ये पूछ ले कि अभी तक जो पेपर हो रहे हैं उसमें एचएससी के अंदर क्वेश्चन आया है कि हरियाणा में जो कंवरपाल गुर्जर है उसका संबंध किस विधानसभा सीट से है? जगाधरी। और भाई अनिल विज का संबंध अंबाड़ा कैंट से। अगला आता है कृषि से। कृषि का जो बजट है वो 64.48 करोड़ भाई, ये कृषि पर बजट दिया गया है। अब पिछले बजट की तुलना में स्वास्थ्य बजट पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भाई? ये वृद्धि हुई 23.61%। और पूछे भाई कृषि के अंदर पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो भाई 23.92%। अब इससे जो सीधा क्वेश्चन बनता है जो पेपर में आता है तो मोस्टली तो यही आता है भाई कि हरियाणा में कुल बजट कितने का पारित किया गया, तो 142.343.78 करोड़। और बजट कब पारित किया गया? 28 फरवरी 2020। या ये पूछे पिछले बजट की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि? 60.70। पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जिसने बजट पारित किया, मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की कौन सी विधानसभा में टैब का प्रयोग किया गया भाई? 14वीं विधानसभा। और भाई 14वीं विधानसभा, देखो विधानसभा का एक क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आता है, 14वीं विधानसभा। यहां से भाई 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 21 अक्टूबर 2019। परिणाम कब घोषित हुए? शाबाश, 24 अक्टूबर 2019। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अभी पेपर में आ चुके हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि मुख्यमंत्री ने शपथ कब ली, तो 27 अक्टूबर 2019। और एक क्वेश्चन बनता है भाई कि अब की बार कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 68.31%। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बजट से भाई पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसे मिलेंगे जो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगी या फिर अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। और जो वैसे इन लंबी तरंगों को या अवरक्त किरणों को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है।